हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विथ नेहा। तो आज के इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसे देखिए, मैंने तीन क्वेश्चन ले रखा है जिसमें 8 का घनमूल निकाले, 27 का घनमूल निकाले एवं 125 का घनमूल निकाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा जब भी आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है फ्रेंड्स, फर्स्ट में 8 का घनमूल निकाले किस विधि से, गुणनखंडन विधि से हम बताने वाले हैं और भाग विधि दोनों विधि से हम बताएंगे। तो देखिए, गुणनखंडन विधि से बनाने के लिए आपको भाग विधि से बनाना बहुत जरूरी है। आप एक बार भाग विधि से बना लीजिएगा तो गुणनखंडन विधि बनाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम 8 का एलसीएम निकालेंगे। ये देखिए क्या है, ये भाग विधि द्वारा, ठीक ना, भाग विधि से इस तरह बनाते हैं भाग। देखिए भाग विधि से बनाने से सबसे पहले 8 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8 का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक ना। अब 2 से देखिए, 2 चौके 8 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 दुनी के 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो एक बार में क्या होगा, ये वाला 2 है सो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ कि कितना दो आया है, 1, 2, 3। तो घनमूल किसे कहते हैं, मतलब किसी जिस अंक का घनमूल निकालना हो उसको कोई भी अंक से गुना कर, 3 बार गुना करने पर उतना अंक प्राप्त हो। जैसे 8 का है तो हम 3 बार गुना करेंगे, दुक्का 2, 2 दुने 4 और 4 में 2 से करेंगे तो 8, तो हमारा 8 आ गया ना। तो हम भाग विधि से इस तरीके से बनाएंगे और गुणनखंडन विधि से हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये वाला जो हमारा है ये यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक ना। कितना का है, 8 का। 8 इक्वल टू 2 × 2 × 2। तो जैसे हम लोग वर्ग निकालते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर होता है, मतलब उसको 2 बार गुना किया जाता है। और घनमूल में कितना, 3 बार गुना किया जाता है। तो 3 हुआ तो 2 का हम पहले वर्गमूल में हम जोड़ा बनाते थे, 2 2 का जोड़ा, और इसमें क्या बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो 1 2 3, तो 3 का 2 का क्या होगा, घनमूल होगा, तो ठीक ना। तो हमारा 8 का ये क्या हुआ, ये वर्ग का साइन हो गया। यहाँ ऐसे दे देंगे तो ये क्या होगा, घनमूल का साइन हो जाएगा। तो हमारा 8 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इस जैसे 2 में अगर वर्ग निकालना होता तो सिर्फ 2 और 2 रहता तो सिर्फ 1 2 को लेकर चलते, वैसे ही घनमूल में 3 2 है तो हम 2 को लेकर चलेंगे, ठीक ना। 2 को लेकर चलेंगे तो 8 का घनमूल कितना होगा, 2 होगा। 2 को 3 बार, मतलब किसी भी अंक को 3 बार गुना करने पर जिसका जितने अंक का घनमूल निकालना हो उतना प्राप्त हो जाए तो वो अंक हमारा क्या होता है, घनमूल होता है। जैसे 2 को हम 3 बार गुना किए तो हमारा 8 प्राप्त हुआ, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से हम सेकेंड वाले को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 का जो है वो घनमूल हम भाग विधि से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 27 को हम पहले एलसीएम निकालेंगे कि जिस अंक से एलसीएम निकल जाए, तो 3 से 9 बार में हो जाएगा, फिर 9 को करेंगे तो 3 3 × 9 हो जाएगा, और 3 को करेंगे तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 3 अंक आ गया, 3 3 × 9 और 9 3 × 27 हो गया। तो हमारा यहाँ क्या होगा, 27 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 का क्यूब। मतलब घनमूल निकालना है तो कितना होगा, 3 का, मतलब 3 बार है तो हम यहाँ पे 3 बार दे दिए है। तो हमारा अब घनमूल का ये साइन अगर सिर्फ रहे तो मतलब वर्गमूल निकालना हो, वर्गमूल का साइन रहे, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, घनमूल का साइन हुआ। तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा हमारा, ये 1 3 हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा 27 का घनमूल 3 होगा। 3 को 3 बार गुना करके देखिए 27 आ जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27, तो हमारा 27 आ गया, तो इसका घनमूल क्या होगा, 3 होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका भी एलसीएम निकालेंगे, 125 का एलसीएम निकाल। एलसीएम निकालने से डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि कितने अंकों को हम 3 बार गुना करेंगे तो हमारा इतना आएगा, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा 2 से 3 से 4 से, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम डायरेक्टली पहले एलसीएम बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 5 से लगेगा क्योंकि 4 से लगेगा नहीं, 5 से, तो कितने बार में जाएगा, 25 बार में। देखिए 2 5 10,
बच जाएगा 15, तो 25 बचेगा, तो 5 बार में 5 से 25। अब ये 5 कितने बार में जाएगा, 5 बार में 25 आएगा। तो देखिए ये 5 5 से 5 कितना एक बार में डिवाइड हो गया, तो हमारा 3 5 आया ना, जैसे इन सब का आया। आप ये सोच रहे कहीं यहाँ बीच में 2 आया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जिस अंक का घनमूल निकालना हो तो आपको 3 वही अंक आएगा ही आएगा। तो चलिए अब इसका निकालेंगे, तो 125 इक्वल टू क्या होगा, 5 × 5 × 5 इक्वल टू कितना 125। तो 5 का क्यू कितना होगा, 5 का क्यू मतलब 5 का ऊपर में हम 3 लिखेंगे, क्योंकि 5 को 3 बार गुना करने पर हमारा कितना 125 आया है। तो हम हर बार बता रहे हैं कि ये वर्ग का साइन होता है, अगर हमको वर्गमूल निकालना हो तो डायरेक्टली हम ऐसे लिखेंगे, और घनमूल निकालना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 को 3 बार गुना करने पर हमारा 125 आएगा। ठीक, यहाँ पे गलती से मैंने 127 लिख दिया था, कितना आएगा 125 आएगा। तो 125 का जो घनमूल होगा वो हमारा 5 होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले घनमूल को समझना होता है। घनमूल क्या होता है, किसी अंक को 3 बार गुना करने पर जिस अंक का घनमूल निकलना हो उतना अंक हमको प्राप्त हो जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, घनमूल करेंगे। तो इस तरीके से आपको अगर गुणनखंडन विधि से निकालना हो तो सबसे पहले आप साइड में एलसीएम निकाल लीजिएगा, जब आपको चुटकियों में गुणनखंडन विधि से बन जाएगा। तो आई होप आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ, वीडियो पे एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।